खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनीपत CIA पुलिस ने दो मोस्ट वांटेड आरोपियों को पुलिस मुठभेर के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी है और दूसरा आरोपी सही सलामत पकड़ा गया है, जिन पर आधा दर्जन वारदातों का अंजाम देने का आरोप है। आप देख सकते हैं कि इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मोस्ट वांटेड अपराधी अनुज उर्फ कला है और इसका एक अन्य साथी कुणाल, जिसके पैर में गोली लगी है, उसे उपचार के लिए मेडिकल में भेजा गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जसनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विषय में सोनीपत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया जा चुका है और इन पर आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है और पुलिस ने एक आरोपी पर तो 25,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया हुआ था, जिसके एक अन्य साथी कुणाल के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इनके कब्जे से कई हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं और इन्होंने गाड़ी भी चोरी की हुई है, जो कि एक गाड़ी मौके पर पुलिस ने जो बरामद किए हैं वह भी चोरी की है। में एक बदमाश घायल हुआ है, कौन है और एक पकड़ा गया है, कहाँ के रहने वाले दोनों? CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर की नेतृत्व में एक सोनीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके अंतर्गत इनके पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसके ऊपर काम करते हुए इन्होंने अनुज उर्फ काला और कुणाल पुत्र विजय, इन जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी, इनके बारे में इन्होंने नाकाबंदी करवाई और जब इनको रोकने का वहाँ पे प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर जो कुणाल पुत्र विजय नाम का एक हार्डकोर क्रिमिनल है, उसकी टांग में गोली लगी।